रोबोट दवाइयां बांट सकते हैं और लिफ्ट चला सकते हैं। वो पहले से ही बुजुर्गों और बिस्तर पर रहने को मजबूर मरीजों की मदद कर रहे हैं। हालांकि वो ज्यादातर आम निर्देश मानने वाले वेटर की तरह काम करते हैं, लेकिन ये रिसर्चर इसे बदलना चाहते हैं। एक दिन इनका रोबोट बुद्धिमान बनेगा। म्यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक्स में वे गार्मी को डेवलप कर रहे हैं। ये रोबोट बुजुर्गों की मदद करेगा। गार्मी, मुक्का भिड़ाओ तो। ये दिखने में जितना आसान है उतना है नहीं। कई घंटों की ट्रेनिंग और प्रोग्रामिंग की जा रही है ताकि गामी को इंसानों की तरह चलना फिरना सिखाया जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि गामी को अलग अलग तरह के काम करने हैं अलग अलग जगहों पर। ये स्वास्थ्य संबंधी देखभाल का मामला है, जैसे कि हमें अल्ट्रासाउंड रिमोटली करना हो या स्वतंत्र रूप से करना हो, इसलिए ये स्वास्थ्य देखभाल के मामलों का एक उदाहरण है। इसके अलावा रोजमर्रा के काम हैं, जैसे पानी का गिलास लाना या फिर बुजुर्गों को दवाई देना वगैरह। शुरुआती नतीजे ऐसे हैं। गार्मी, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। रोबोट को ये सीखना होगा कि हाथ और बाजुएं कैसे हिलानी है ताकि इंसानों की तरह ये काम कर पाए। थैंक यू। लेकिन रोबोट से इंसान के हाथ की दूरी अलग अलग होगी। हमारे लिए ये आसान है, लेकिन गार्मी को ये सीखना पड़ेगा। अब हाथ पर ध्यान दो। गार्मी को देखना होगा, खाली जगह चलना होगा और स्पर्श पर प्रतिक्रिया देनी होगी। इंसानों के लिए जो बहुत सहज है, रोबोट में उसके पीछे बड़ी प्रोग्रामिंग लगती है। हम गार्मी को दिखा रहे हैं कि कैसे पानी उड़ेलना है, लेकिन मैं गार्मी को इस तरह प्रोग्राम कर रही हूँ कि वो चीजें निकालने की क्षमताएं विकसित करे और भविष्य में ये खुद कर पाए। कई रोबोटों से उलट गार्मी के हाथ इंसानों जैसे हैं। बहुत सी ट्रेनिंग के बाद गार्मी बहुत महीन मूवमेंट करने में भी सक्षम हो जाएगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप कमाल दिख रही हैं। तुम भी। पेपर जैसे सोशल रोबोट पहले से ही वृद्ध लोगों की देखभाल के केंद्रों में लगाए जा चुके हैं। हालांकि इस जापानी मॉडल का भाषा ज्ञान और मनोरंजन की काबिलियत शुरुआती स्तर पर ही है। देखभाल करने वाला ये रोबोट रीबा 2 नर्सिंग स्टाफ को मरीज उठाने में मदद करता है, और ये रोबोट जो हादसा होने की स्थिति में अलार्म बजा देता है। क्या आपको मदद चाहिए? क्या मैं इमरजेंसी के लिए फोन लगाऊं? ना ना, मैं ठीक हूँ। म्यूनिख में सबसे बेहतर नर्सिंग केयर रोबोट बनाने पर काम चल रहा है। गार्मी भविष्य में मेडिकल जांच करने में सक्षम होगी, जैसे कि अल्ट्रासाउंड। गार्मी को अल्ट्रासाउंड करने के काबिल बनाया जा रहा है। लंबे समय तक जिन मरीजों को देखभाल की जरूरत है उनके लिए ये काम का है, जैसे कि इनके केस में। ये टेस्ट पेशेंट रिटायर्ड डॉक्टर भी हैं और इस प्रोजेक्ट के सलाहकार भी। ये मोबिलिटी का मसला है। मुझे किसी बुजुर्ग मरीज को नर्सिंग होम से अस्पताल या डॉक्टर के क्लिनिक पर नहीं लाना होगा, इससे वक्त बचेगा। इनके शोध के अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। म्यूनिख के यूनिवर्सिटी अस्पताल में इस रोबोटिक बाजू का इस्तेमाल हो रहा है। 10 वर्षों में गार्मी काम करना शुरू कर सकता है, तब ये बाजार में उपलब्ध सबसे बुद्धिमान मोबाइल और मेडिकली सक्षम रोबोट होगा।